भक्ति की भूमि है, भक्ति की नगरी है वृंदावन धाम। वहां भक्ति है, प्रेम है, इसलिए ज्ञान वैराग्य के दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं। ज्ञान वैराग्य की कोई पूंछ ही नहीं है, और जिस चीज की कोई पूंछ ना हो, कोई उसका ग्राहक ना हो, वो वस्तु जो है पड़े पड़े बेकार हो जाती है। आपने देखा होगा दुकानों में कोई वस्तु, उसको कोई खरीदता नहीं तो रखे रखे एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में कोई नहीं पूछता। एक वृंदावन की बात बताएं आपको, आज से 400 साल पहले की बात, एक बहुत बड़े भक्त श्री धाम वृंदावन में दर्शन करने आए ठाकुर जी का। और पहले के जमाने में सड़क वगैरह जो है ये रोड नहीं बनी हुई थी, पगडंडियों से चल करके लोगों को आना पड़ता था। तो बहुत बड़े भक्त थे, और वो भक्त पालकी में लेकर के उनको लोग आ रहे थे पालकी में दर्शन कराने के लिए। तो एक वृंदावन का जो भक्त था, वो पगडंडी जो रोड, जो पगडंडी मतलब जो कच्ची रोड होती ना, उसके किनारे जो घास थी वो घास छीन रहा था गैया के लिए। घास छीनते ना लोग घास, तो आकर के उन जो बड़े संत आ रहे थे पालकी में, उनके सेवकों ने कहा कि बहुत बड़े महाराज जी आ रहे हैं। उसने कहा कि वो अनन्य होएंगे तो होएंगे, हम ठनन्य हैं, हम काहू से कम नहीं, जाकर अपने महाराज को बोल दो, अपने महाराज से कह दो कि वो अनन्य है तो अपने घर के होएंगे, हम ठनन्य हैं, हम काहू से कम ना, हम वृंदावन के वासी हैं। तो सेवकों ने जाकर के कहा महाराज वो तो एक घास छील रहा है, बोलता है कि महाराज अनन्य होएंगे तो होएंगे, हम ठनन्य हैं, बोलो कि उनकी गरज हो तो दूसरे रास्ते से चले जाए, हम घास नहीं छीलेंगे, हम यहाँ से हटेंगे ना। अभी बताओ कि इसमें समझदारी की बात है क्या कि कोई इतने बड़े संत आ रहे हो और प्रजावासी खुरपा लेकर के एकदम खड़ा बोलता नहीं हम घास छीलेंगे, जाने ना देंगे, तुम्हारी गरज हो दूसरे रास्ते से चले जाओ। ज्ञान कहीं दिख रहा है आपको दूर दूर तक, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन भक्ति है इसमें। उसने कहा हम खनन में है, तो महाराज जी को जाकर के सेवकों ने बताया, बोले महाराज ऐसे कह रहे, तो महाराज जी को लगा कि फनन ने कौन थे हैं, हम तो फनन ने आज तक सुने नहीं थे। चलो आज बोले कि सेवकों ने कहा महाराज उठा के फेंक दें साइड में, चार लोग मिलकर के उठा के फेंक आते हैं उधर नाले में, और बोले रास्ता साफ हो जाएगा, आप आराम से निकलना। महाराज जी बोले नहीं ऐसे नहीं करना है, ये वृंदावन का भक्त है, ब्रजवासी है, जरूर कोई ना कोई जो है सीख देगा, ये चलो इसे सीख करके आते हैं, पूछ के आते हैं कि फनन ने किसको कहे। महाराज जी ने आकर के कहा बताओ, ये बताओ कि फनन्य किसको बोलते हैं। तो उसने कहा पहले तुम बताओ कि अनन्य काय थे कहे, अनन्य किसको कहते, पहले तुम बताओ फिर हम बताएंगे कि फनन्य काय थे कहे, फनन्य का किसको बोलते हैं हम बाद में। तो महाराज जी ने कहा कि अनन्य उसको कहते हैं जो कृष्ण के अलावा दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, बोले इन जितने भी भगवान हैं इनसे कोई मतलब न रखे, केवल कृष्ण की पूजा करे, वही अनन्य। तो उसने कहा अच्छा, बोले हाँ, बोले फनन ने सुन लो काय थे कहे, बोले हाँ बताओ, बोले फनन वाको कहे कि बोले जो कृष्ण के अलावा ये तुमने नाम गिनाया, बोले दुर्गा जी हनुमान जी का किसका, बोले हाँ दुर्गा जी हनुमान जी गणेश जी, और बोले खटियार माता लटियार माता ये सब, बोले काना के अलावा जो इन सबका नाम भी ना जाने, वाको फनन ने कहे। हमको तो बोले काना के अलावा बाकी किसी का नाम भी ना मालूम भैया, या तो हम फनन ने हम सिर्फ काना को जानते हैं, वाके अलावा काना के अलावा बाकी को नाम भी हमको ना पता, काना के अलावा हमको नाम भी पता ना है काऊ को। जब वो ब्रजवासी की बात सुन करके महाराज जी ने उसके चरण में प्रणाम किया, अब बोले भैया हम दूसरे रास्ता से चले जाते हैं, तुम यही घास छीलो, तुमसे हम ना जीत पाएंगे। तो ब्रज के जो भक्त हैं उनके अंदर तो भक्ति है, वो वृंदावन के जो वृंदावन की जो सीमा है उस सीमा को छोड़ करके बोलते हैं कि स्वयं ठाकुर जी आकर के यदि विपिन राज सीमा से बाहर हरि को न निहार, यदि भगवान बाहर आके खड़े हो जाए और बोले कि आओ इधर मैं खड़ा हूँ, तो भक्त कहते हैं कि तुम्हारी गरज हो तो तुम अंदर आ जाओ, हम बाहर ना आएंगे वृंदावन छोड़ के। ऐसे भक्त हैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाएंगे ना। एक वृंदावन में मथुरा में एक बाबा जी थे, जटा वाले बाबा जी, जटा सखी उनको बोलते थे, सखी अपने आप को मानते थे, काना की सखी, खाती हूँ जाती हूँ हंसती हूँ ऐसा बोलते थे, खाता हूँ नहीं खाती हूँ आती हूँ ऐसा बोलते थे बाबा जी, जटा सखी उनको बोलते थे, जटा इतनी बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी, अपने आप को काना की सखी मानते थे। एक दिन चले जा रहे थे तो बट का पेड़ होता है ना बट का, तो उसमें बट में आपने देखा होगा कि उसमें जटाएं लटकती रहती हैं,
तो बाबा जी की जटा उस बट की जटा में लपट गई, तो फंस गई, तो निकाल रहे निकल ही नहीं रही, तो फंसी बोले थी। तो कुछ लोगों ने सुबह से फंसी तो शाम हो गई, लोग आए बोले महाराज निकाल दो। तो बोले ना, बोले तुमने फंसाया है, बोले नहीं हमने, तो बोले फिर तुझा जिसने फंसाया वही निकालेगा, अगर जाने फंसाया वही निकालेगा, तूने तेने फंसाया तो तू निकाल। बोले ना बाबा हमने तो ना फंसाया, फिर बोले तू काय को निकालेगा, तू जा जाने फंसाया वही निकालेगा अगर। सुबह दिशान हो गई, कोई आया नहीं, रात हो गई, सुबह हो गई, बाबा जी वही खड़े, लोग आते हैं बाबा जी डंडा लेके मारने को, बोले हाथ मत लगाई हो, जाने फंसाया वही निकालेगा, जाने बोले जाएगा आज सुने जाएगा। हम चार दिन हो गया बाबा जी पड़े हैं वही अटके करके। देखो काना के भक्त, देखो ऐसी भक्ति, चार दिन हो गया लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे, बोले जाने उलझाए वाई सुने जाएगा। चार दिन हो गया तो कन्हैया जी जो है छोटे से काला का रूप धारण कर दिया। अभी की बात है, ज्यादा दिन की नहीं, 200 साल के अंदर की बात है ये। अभी कन्हैया जी ग्वाला के रूप में आ गए, बोले बाबा मैं सुलझा जाऊं। बोले तू कौन है, तेने उलझाया तो सुलझा दे। फिर कन्हैया ने जो है अपने हाथों से उनकी जटाएं जब सुलझाने लग गए तो बोले कि नहीं ऐसे ना, बोले तुम यदि कृष्ण हो तो तुम्हारे साथ बाएं अंग में राधा रानी अगर आएंगी, साथ में किशोरी जी, तब मैं मानूंगा तुम कृष्ण हो। तो वहां पर फिर स्वयं राधा रानी कान्हा के बगल में खड़ी हो जाती हैं, कंधे पे अपना मुख रख देती हैं कान्हा के, और बोली बाबा अब निकलवा दो ना, देखो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर साथ में खड़ी। जब राधा रानी का दर्शन कर लिया तब अपनी जटाओं को निकालने दिया। ऐसे ऐसे भक्त श्री धाम वृंदावन में है, बोले वृंदावन धाम की। देवर्षि नारद जी ने कहा देवी यहाँ भक्ति की भूमि है, इसलिए यहाँ आपके ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपके ज्ञान वैराग्य की जो तकलीफ है इसको जरूर दूर करूंगा, मैं ज्ञान वैराग्य को पुनः जागरूक करूंगा, इन्हें पुनः जवान करूंगा, ये मेरा वचन है। यदि मैं ऐसा नहीं किया तो मैं हरि की सौगंध खाता हूँ, मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर की कसम खा रहा हूँ। इतना कहकर के देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के कान में मंत्रोच्चार करने लग गए, गीता का पाठ करने लगे, वेद पाठ करने लग गए, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य जागते हैं फिर सो जाते हैं। आकाशवाणी हो गई, यदि ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो, भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कौन सा सत्संग, बोले उस सत्संग किसी महात्मा के द्वारा पता चले, किसी संत के द्वारा। अब देवर्षि नारद संत की खोज में पूरे भारत भूमि में विचरण करने लग गए, लेकिन छोटे मोटे जो महात्मा संत हैं वो तो कहते हैं कि जब देवर्षि नारद को नहीं पता जो बात, तो हमको कैसे पता चले। ढूंढते ढूंढते देवर्षि नारद उत्तराखंड की पवित्र भूमि बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ में देवर्षि नारद की मुलाकात होती है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से। देवर्षि नारद को दुखी देख करके सनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं कि क्यों दुखी हो आप, क्या कारण है आपके दुख का। देवर्षि नारद जी पूरी कथा बता देते हैं, तो सनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने का एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो ये कथा भी हरिद्वार में गंगा जी के पवित्र तट पर होती है। सनकाद ऋषि बद्रीनाथ से हरिद्वार आते हैं और भक्ति जो है अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर के वृंदावन से हरिद्वार आती है। बीच में हरिद्वार है, वृंदावन और बद्रीनाथ दोनों के बीच में। अब गंगा जी के पवित्र तट पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, हजारों संत महात्मा गंगा जी के रेत पर बैठ जाते हैं बालू में और भागवत की कथा सुनने लगते हैं। सनकाद ऋषि भागवत की कथा सुनाने लग जाते हैं। कथा हो रही थी वहीं पर भक्ति मैया नाचते हुए नृत्य करते हुए प्रकट हो जाती हैं, आ जाती हैं। भक्ति तरुण गृह प्रेम करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
ना थे तिना मानी मुहुर भजन। भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए भक्ति में यह ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो जाती है। और भक्ति जी वहां सनकादि ऋषियों से प्रश्न करती है कि मैं कहां पे बैठूं, मेरे बैठने के लिए जगह बताएं। सनकादि ऋषि कहते हैं जो भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनके हृदय में आप बैठ जाए, भक्तों के हृदय में। आप जब कथा में आते हैं तो साक्षात आपके हृदय में भक्ति देवी उसी समय विराजमान हो जाती है जिस समय आप कथा में बैठते हैं। सत्यो हृदय वरुद्ध पेत पृथ्वी सुश्रो सुवित्त क्षण। और जहां पर भक्ति है, जिस हृदय में भक्ति निवास करती है, उस हृदय में भगवान हमेशा विराजते हैं। कि जाति पाति पूछे नहीं पो ठाकुर जी जो है विराजमान हो जाते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों के तरह तुम बुलाते नहीं। भगवान को बुलाइए जरूर आइए, हाँ बुलाइए तो सही, आप प्रेम से बुलाएं भगवान आएंगे, जब आप बुलाओगे नहीं तो कैसे आएगा। भगवान को जिसने भी प्रेम से पुकारा है भगवान आते, हमेशा भगवान भक्त के पीछे पीछे। भगवान कहां, भक्त की हां जहां वहां भगवान, जहां भक्त की हां वहीं भगवान। एक भक्त ने कहा कि प्रभु आप हमेशा सुख में मेरे साथ रहते हो लेकिन दुख में आप साथ छोड़ दे। भगवान ने कहा कैसे, बोले जब हमारे जीवन में दुख सुख रहता है हम देखते हैं पीछे हमारे पैरों के साथ आपके पैरों के निशान, लेकिन जब जब हमारे जीवन में दुख आया हमने देखा तो दो ही पंजे नहीं दिखते हैं मेरे, आपके पंजे दिखते नहीं उसमें। भगवान बोले तू पागल है, तुझे क्या मालूम जब जब तेरे जीवन में सुख आया है मैं हमेशा तेरे पीछे रहा, लेकिन जब तेरे जीवन में दुख आया उस समय मैं पीछे नहीं रहा, उस समय मैं तुझे उठा लिया, मेरे कंधे में बैठा लिया। वो जो दो पंजे दिखाई देते हैं वो तेरे नहीं, उस समय वो मेरे पंजे होते हैं, क्योंकि जब तेरे जीवन में दुख आता है उस समय मैं पीछे पीछे नहीं होता, मैं तुझे अपने कंधे पे बैठा लिया। भगवान हमेशा भक्त के पीछे। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, तुम एक पैर मेरी तरफ चलो मैं तुम्हारे तरफ साठ पग चलने के लिए तैयार। बोलो राधे राधे, हाथ उठा करके भाग एक बार, राधा रानी की।
देवर्षि नारद सनकाद ऋषियों से कहते हैं, महाराज कुछ प्रश्न कर सकते हैं कथा के बीच में? बोले बिल्कुल। बोले महाराज ये बताएं कि कोई अच्छा व्यक्ति यदि कथा सुनता है तो उसकी मुक्ति होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा है तो अच्छा तो तर ही जाएगा, मुक्त ही हो जाएगा। आप ये बताएं कि कथा सुन करके कोई पापी व्यक्ति, कोई दुराचारी व्यक्ति तरा है? कोई ऐसी कथा है जो भागवत की कथा सुन करके कोई पापी तर गया हो, उसका उद्धार हो गया हो? बोले हाँ। यहां पर सनकाद ऋषि देवर्षि नारद को आत्मदेव की कथा सुनाते हैं। आत्मदेव की। तुंगभद्रा तटी पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्मदरामेन शतशतकर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आनंद नाम का नगर था और वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे। उनमें एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। बहुत ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था कि ज्ञान का तेज उसके अंदर, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसके चेहरे पे चमक होती है, तेज होती है ना, ज्ञानी के चेहरे में तेज होता है, ओज प्रकाश होता है ज्ञानी, क्योंकि भक्ति ज्ञान इसके अंदर होता है, उसमें चमक होती है, भक्ति की चमक। कैसा भी रहे, भटा पुराना कपड़ा पहन ले, तंगी करे या ना करे, नहाए या ना नहाए, हमेशा चमकता रहे। आपने देखा हो बहुत लोग सुबह सुबह उठते हैं, उनकी उनके चेहरे में बारह बजा रहता है, सुबह उठते हैं तो पता चलता है अभी अभी उठे। वीडियो कॉल कर लो, असली रूप किसी का देखना हो तो सुबह सुबह वीडियो कॉल कर लो, है बाद में तो नहा धो करके चंदन मंदन लगाए, लीला लिपस्टिक लगाए जहाँ, तो सब चमकने लग जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसका असली रूप दिखाई देता है। लेकिन जो भक्ति जिसके अंदर होगी भगवान की, वो हमेशा चमकता रहेगा, हमेशा चमचमाता रहेगा, उसे जो चाहे सुबह हो चाहे शाम, सब बराबर। तो आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे, बड़ा चिरे तेज था उनके चेहरे में, द्वितीय भास्कर रहा, ऐसे लगता था मानो सूर्य नारायण हो, इतना तेज है, ऐसा लिख लिया सूर्य नारायण की तरह थे। भक्ति का तेज है भैया, भक्ति यदि करोगे तो तेज आएगा जीवन में। भगवान का जो भक्त होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। भक्ति की 60 साल के बूढ़े देखो हो गए या जवान, नाचे कूदे धूम मचावे मीठी बोले बान, है ना। 60 साल के लोग जवान हो जाए यदि कान्हा की भक्ति आ जाए, राधे राधे मुरली वाले की, भैया कुछ बात ही निराली है, क्या कहें, थोड़ा ये गाते हैं, थोड़ा गाएंगे तो मन लगेगा, है भजन थोड़ा गाएं, तो इसके बाद आत्मदेव जी की कथा। कि मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल मिली बात।
का देखिए बाप, जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से तुम्हें देखा है पहले मुस्काए फिर हंसके बोले।
आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत समारते सुनिषणात द्वितीय भास्कर सूर्य नारायण की तरह तेज है आत्मदेव का, सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके इनको संतान नहीं है, सब कुछ है। पत्नी का नाम है धुंधली, धुंधली जो है झगड़ा करती, बहुत झूठ बोलती है, बात बात पे झगड़ा, संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। एक दिन लोगों का ताना सह सह कर थक गए और वही नदी के किनारे एक पेड़ था, उसके नीचे जाके बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठे रोने लग गए। तभी एक महात्मा आते हैं वहां पर, सन्यासी, पूछते हैं क्यों रो रहे हो, दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है पूछने के लिए कि क्यों रो रहे हो, क्या कारण, आप रोड के किनारे बैठ जाओ, पूरा दिन रो, कोई पूछेगा नहीं क्यों रो रहा, कोई पूछेगा, बंबई में कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों रो रहा, आप पूरा दिन रो जाके, विश्वास ना हो तो कल बैठना सुबह नहा धो रोना शुरू करो, पूरा दिन निकल जाए, चलो 4 बजे तक बैठ के रोना, बाद में कथा में आ जाना, मुझे बताना कि महाराज कोई मिला कि नहीं मिला, बोलो राधे राधे। यदि कोई आपको पूछेगा कि क्यों रो रहे हो तो समझ जाना वही संत है। संत जो है कोई बड़ बड़े बाल रख के संत नहीं बन सकता, कोई बहुत ज्यादा चंदन लगा के संत नहीं बन सकता, कोई कुर्ता धोती पहन के संत नहीं बन सकता, कोई जो है भगुआ कपड़ा पहन के संत नहीं बन सकता। संत का लक्षण है किसी दुखी को देखो तो दुखी हो, ये संत का लक्षण, दूसरे के दुख से दुखी हो जाए वो संत है। मक्खन की तरह संत का स्वभाव होता है, कैसे मक्खन, मक्खन होता है, मक्खन को यदि आप आंच दिखाओगे आग की तो मक्खन क्या होगा, पिघलेगा, कब, जब मक्खन के ऊपर खुद के ऊपर आंच लगेगी तब। लेकिन संत दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं, मक्खन अपने दुख से पिघलता है, लेकिन संत जो है दूसरे के दुख से पिघलता है। ये संत, वो संत है जो आपको पूछ लेके क्यों रो रहा, आत्मदेव रो रहे थे कि संत का आगमन हुआ, पूछे कथम रोदस विप्रत्वम, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बनीयस वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भागवत के श्लोकों को श्रवण करना, ये श्लोक जो कान में जाएंगे तो इनसे पाप धुल जाते हैं सारे, है ना, भागवत के श्लोक मेन है, श्लोक सुनना चाहिए, श्लोक सुनेंगे तो हमारे आगे जो अंदर पाप है वो पाप नष्ट हो। अब जब आप भागवत के श्लोकों को संस्कृत के शब्दों को आप सुनते हैं, संस्कृत के श्लोकों को, तो आपके पितर आपसे खुश होते हैं, कैसे, क्योंकि पितर जो होते हैं वो देवता होते हैं और संस्कृत जो है वो देववाणी है, तो देववाणी उनको अच्छी लगती है। आप आज यहाँ कथा सुन रहे हो, आपको सुन करके आपके द्वारा, आप जब यहाँ कथा सुनते हो, श्लोक सुनते हो संस्कृत भागवत के, तो आपके देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं प्रसन्न होकर, धन्य है हमारे, क्योंकि जब तक जिंदा है व्यक्ति तब तक उसको भगवान की भक्ति भक्ति का उतना वो रहता नहीं, लेकिन मरने के बाद तो, किसी ने बर्फ से पूछा कि तू इतना ठंडा क्यों रहता, कभी गर्म हो जा बर्फ से, तो बर्फ ने जवाब दिया कि भैया मुझे अपनी औकात पता है कि मैं बर्फ बनने से पहले पानी था और जब मैं पिघल जाऊंगा तो भी पानी ही रहूंगा। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, ये जब पैदा हुआ था तब भी नंगा पैदा हुआ था, भिखारी पैदा हुआ था खाली हाथ, और जब मरेगा तब भी नंगा ही जाएगा, उस समय भी इसके पास कुछ ना रहेगा, जब पैदा हुआ तब भी सब बीज का ही खेल है, बीज का ही खेल है, सब अगल बगल में कुछ नहीं है, जो कुछ है तो बीच में ही है, बोलो राधे राधे। तो बर्फ कहता है कि मुझे अपनी औकात पता है कि मेरे जीवन में तो जो है पानी ही शेष रह जाएगा, इसलिए मैं ठंडा हूं। लेकिन ये मनुष्य, बर्फ को समझ में आ गया पर मनुष्य को न जाने कब समझ में, चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें,
जो कुछ बची है उन्हीं को संभाल। संत पूछते हैं कि क्यों रो रहा है, तो आत्मदेव ने कहा मुझे संतान नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं। अरे बोले संतान नहीं तो क्या हुआ, ठाकुर की कृपा कुछ दिया तो समझो कृपा, नहीं दिया तो समझो डबल कृपा। जय विधि रते राम तेह विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर ने नहीं दिया समझो डबल कृपा, ना दिया संतान आपको तो कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छा ही होगा, सोच रखा होगा। छोटे छोटे बच्चे माता पिता से बोलते हैं कि मम्मी अब हमें बड़ा हो गया मेरे लिए मोटरसाइकिल मंगा दो, लेकिन माता पिता मना करते नहीं अभी तो बड़ा नहीं हुआ है, अभी नहीं अभी रुक रुक रुक। अब बाद में जब माता पिता जान जाते हैं कि अब ये मोटरसाइकिल चलाने लायक हो गया तब उसको मोटरसाइकिल आ गया, पहले मना करते हैं कि नहीं। तो भगवान इसी तरह यदि आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप ये ना सोचो कि मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप उसके काबिल नहीं हो इसलिए भगवान आपको नहीं दे रहे। जिस दिन आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी तो आपको ठाकुर जी प्रदान कर देंगे जो भी आपके अंदर कमियां। बोलो राधे राधे। जिस दिन आप काबिलता लाओ, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप उस काबिल तो बनो, अपने आप को बनाओ उस काबिल। यदि आप गरीब हो थोड़ा आपके अंदर उदारता लाओ, आप गरीब हो थोड़ा उदारता लाओ, आपके जीवन में उदारता ठाकुर जी देखेंगे। धर्म कार्य में पैसा जो आपको दिया ठाकुर जी ने उसको खर्चा करो, लगाओ, अच्छे काम करो, ब्राह्मणों की सेवा करो और साफ सफाई मंदिरों का सुंदर निर्माण, अच्छे काम करो, गरीबों को भोजन कराओ, गौ माता को घास खिलाओ। जब आपके अंदर थोड़ा उदारता है कि ठाकुर जी देखेंगे नहीं इसको पैसा दिया जाएगा तो ये अच्छे कार्यों में लगाएगा, तो भी ठाकुर जी अपने आप आपको देंगे। और जितना दिए है उसको आप दबा करके रखे और चपोट करके कि निकलने ना पाए, कहीं एक पैसा निकल गया तो आप जो है बैंक में डाल करके उसको रखे हो, आप जबरदस्ती करके दबा करके सबसे छिपा करके, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं इसको जितना दूंगा ये सारा का सारा लॉकर में ले जा करके रख देगा, अब धर्म कार्य में एक पैसे भी लगाएगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी कहते जितना है उतने में ही मर, आप काबिलियत लाओ अपने अंदर। जिस दिन आपके अंदर उदारता आएगी, जिस दिन आप अपने हाथों को खोलोगे तो भगवान भी अपना हाथ खोल देंगे। जिस दिन आप अपने हाथों को खोलो, सुंदर मौका मिला हुआ है, भागवत की कथा हो रही है ये और विष्णु टेबल ट्रस्ट के द्वारा है, जो संस्था ये हमारी संस्था जो है गौ सेवी संस्था है, वृंदावन धाम में चामुंडा कॉलोनी परिक्रमा मार्ग में श्री किशोरी करुणा कुंज के नाम से वहाँ पर गौशाला है, वहाँ गायों की सेवा हो रही है। तो ये संस्था हमारी जो है गौ सेवी संस्था है, इसमें आप लोग जुड़े और इस कथा से जुड़ करके आप गौ सेवा में अपना हाथ बटाएं। वहाँ पर हम जो है लंबू पंडित जी बैठे हैं, नैनीचंद कोटिया जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं और शुक्ला जी हमारे बाबू जी बैठे हुए हैं, वहाँ दान पावतियाँ भी शायद अब उपलब्ध हैं। आप इस कथा में सहयोग करेंगे तो सीधा श्री धाम वृंदावन में गौशाला में आपका धन जाएगा। आप सोचें विचारें, अपने आपके पास में 7 दिन का समय है, अवश्य और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस अच्छे कार्य से जुड़े। हम तो संस्था की तरफ से ये कथा करने के लिए आए हैं, गौ माता के सेवार्थ जो हमारे पास में धन है उस धन को लगा करके हम यहाँ कथा कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद ये है आपसे कि आप जो है वो हमारा जो गौ सेवा का धन यहाँ लग रहा है वो आप उसको डबल करके यहाँ से आप दें, ये हम आशा लेकर के आए हुए हैं कि गौ सेवा आपके द्वारा जो है हो, ये हमारी उम्मीद है। यही उम्मीद लेकर के हम कथा करने के लिए यहाँ आए हैं। और बोलो एक बार राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं आप आत्मदेव से शब्द कहते हैं कि यदि ठाकुर जी ने नहीं दिया आपको समझो आप उस काबिल नहीं हो, अपने आप को काबिल करो। आत्मदेव ज्ञानी से बोले महाराज हमने पढ़ा है कि जगजीवितम प्रजाहीनम जिगृहम च प्रजां विना जिगधनम बोले जिन मनुष्यों के जिन गृहस्थों के यहाँ संतान नहीं है उन गृहस्थों का जीवन को धिक्कार है, आत्मदेव ऐसा कहते हैं। संत के सामने आत्मदेव रोने लग गए तो संत ने आत्मदेव के माथे को पड़ करके बोला कि ब्राह्मण तुम चिंता ना करो क्योंकि सप्त जन्मावधि जो पुत्रो नहीं बचा
एक जन्म की तो बात छोड़ दो, सात जन्म तक कोई संतान नहीं है तुम्हारे जीवन में, सात जन्म तक। अब तो आत्मदेव रोने लग गए, जमीन पर अपने सिर को पटक दिया जो उसे पत्थर के ऊपर खून से लहूलुहान हो, बोला महाराज आपने मेरा दुख सात गुना कर दिया, अभी तक तो मुझे एक जन्म का ही दुख था, आपने उसको सात जन्म बोल करके और मेरा दुख बढ़ा दिया, अब मुझे आप संतान दे वरना मैं यहीं आपके सामने प्राणों को त्याग करूंगा। तो आज मैं समझ गए जो यहाँ बैठे बैठे सात जन्म देख लिया वो चाहेगा तो मुझे संतान भी दे सकता। चरणों में गिर गए, महात्मा को दया आई, एक फल उठा करके दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो। धंधुकारी को ले जाकर के फल दिया, बोले सुनो, धंधुकारी अंदर से निकली, क्या हुआ? बोले तो इस फल को खा लेना, इससे हमारे घर में भी बालक होगा। धंधली ने कहा कि ये बुढ़ापे में कहां से लेकर के आए हो, जवानी में ये सब नहीं सोचा, बुढ़ापे में फल लेकर के आए हो? फटकार लगा रहे, बोले भगवान इसको खाना, इससे सुंदर बालक होगा, हमारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। धंधुली ने उस फल को नहीं खाया, अपनी सहेली को बोल करके उसने वो भैया को खिला दिया, और अपनी बहन के यहाँ उसके बेटा होने वाला था, सात आठ महीने के बाद जब बेटा हुआ तो बहन से उसने पैसा दे करके बेटा खरीद लिया। आत्मदेव को बोल दिया कि मेरे बालक हो गया, और इस तरह आत्मदेव और भैया को जो फल खिलाया था उसमें से भी एक बालक हुआ, पूरा उसका मनुष्य का शरीर है, केवल कान जो है उसके गाय के जैसे। आत्मदेव की तो प्रसन्नता का पारा भार नहीं रहा, आत्मदेव आनंदित हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, और दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए बैठते हैं। गऊ के जैसे कान था इसने उसका नाम रख दिया गोकर्ण, गाय से उत्पन्न हुआ था, और जो धुंधुकारी धुंधुली का बेटा था उसका नाम रखने के लिए जैसे तैयार हुए तो धुंधुली ने कहा कि मेरा बेटा है मैं नाम रखूं। बोले क्या? बोले मैं धुंधुली और मेरा बेटा धुंधुकारी। तो उसने अपनी बेटी का नाम रख लिया धुंधुकारी, गोकर्ण और धुंधुकारी दो बेटे आत्मदेव के हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। समय व्यतीत होने लग गया, गोकर्ण भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए आगे चल कर गए, और धुंधुकारी महान खल हुआ, बड़ा दुष्ट हुआ। खल का मतलब समझते हो क्या होता है? खल, खल का मतलब होता है जिसका खाए और उसी से लड़े वही खल, जिसका खाए उसी से लड़े वही खल। तो धंधुकारी खल हुआ, अब गोकर्ण भगवान के भक्त हुए हैं। बोलो राधे राधे। धंधुकारी ने धीरे धीरे करके माता पिता का कमाया हुआ जितना धन दौलत था सब लुटा दिया, जुआ खेल लिया, दारू पी लिया, सारा उसको जो है अय्याशी का काम करता, रात रात भर बाहर घूमता, दारू पीता, अत्याचार करता। जब घर का धन खत्म हो गया, एक दिन डंडा लेकर के आत्मदेव को मारने लग गया। बोला कहाँ छिपा रखे हो बताओ? क्या? बोले रुपया पैसा कहाँ बचाए हो और छिपा रखे हो? तो बोले सब तो तुमने खेल लिया, सब तो पी लिया, कुछ बचा नहीं है, अब क्या बचा है? बोले नहीं, अभी तुमने कहीं छिपा करके रखा है। आत्मदेव रोने लग गए और आत्मदेव दुखी हो जाते। दुखं व्यपोहये प्राणस्तजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितं। आत्मदेव कहते हैं कि अब मैं कहां जाऊं, किसको सुनाऊं मेरी व्यथा, मेरे दुख, मेरी तकलीफ में किसको सुनाऊं? रोने लग जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाते हैं जहां पहले बैठे रोते हैं। एक संत उस दिन आए थे, एक संत, और आज जो है संत के रूप में इनका जो बेटा गोकर्ण है वो आता है, और गोकर्ण ने आकर के बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताजी आप इस संसार में सुख ढूंढ रहे हो, यहाँ सुख है ही नहीं, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय, इस संसार का नाम है दुखालय। जैसे स्कूल का नाम क्या है? विद्यालय, वहां विद्या मिलता है विद्यालय, जहाँ भोजन मिलता है उसको भोजनालय, जहाँ पुस्तक मिलती है उसको पुस्तकालय, जहाँ कार्य होता है उसको कार्यालय, जहाँ औषधि मिलती है उसको औषधालय,
इसी तरह जहाँ दुख मिलता है उसको दुखालय बोलते हैं। तो ये जंजार जो है दुख का दुखालय है, दुख का घर है। संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते दिशम। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार, इसी में जो है लोग जल रहे हैं, ये अग्नि जला रहे हैं, लेकिन कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरे आंतने विना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरे आंतने विना। न तो इंद्र को सुख है, न ब्रह्मा को, न चक्रवर्ती को, न राजा को, कौन सुखी है? थोड़े थोड़े सब सुखी, दुखी सुखी राम के दास। दीन कहे, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख संभु को भाई। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीवन का। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा दुर्गा, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी रहा। जितना मिलता जाता है अभिलाषाएं उतनी बढ़ती जाती हैं, कोई सुखी नहीं है। मैंने देखा जो बंबई में चार चार बेडरूम के घर में रहते हैं वो भी दुखी हैं, वो भी रो रहे हैं। यहाँ की ये मलाड की कथा, ये कथा जो मैं कर रहा हूँ, इस कथा को करने से पहले एक भक्त के पास में गया लंबू पंडित जी के साथ में, उनका फोर बीएचके का घर। हमने कहा कथा करने जा रहे हैं, लंबू जी ने कहा कथा करने जा रहे हैं, जजमान बन जाओ, एक दिन की पूजा कर लो, 11,000 का सहयोग कर दो। बोले महाराज हम तो मर रहे हैं। तो फिर हम उसी दिन लंबू जी को बोले कि अब ऐसा करो कि किसी से मांगना मत, हमारे बाबू जी हैं कोटिया जी, इन्हीं को जजमान बनाओ और चलो कथा करो, क्योंकि जब ये मर रहा है तो बाकी कहाँ फिर जिंदा रहे हैं। जिसने पूरा एक फ्लोर खरीद रखा है, पूरा महला खरीद रखा है और पूरे महले को तोड़ करके अपना घर बना लिया, वो मर रहा है। जब वो मर रहा है तो जी कौन रहा है? वहीं से हमने मांगना बंद कर दिया, हमको सीख मिली कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। अब मैंने कहा कि तुमसे अच्छा तो मैं हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, कम से कम मैं जी तो रहा हूं, मैं नहीं मर रहा। भले मैं तुम्हारे यहां आया था भागवत के लिए सहयोग मांगने के लिए, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मैं जिंदा, तुम्हें मरा हुआ देख करके मुझे समझ में आ गया कि मैं जिंदा, और ये एहसास दिलाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे बताया कि मैं जिंदा हूँ और मैं धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, ये तुमने मुझे बता दिया। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, सारा संसार दुखी है। सुख में तड़पो भूलो मती, दुख में तड़पो मती, जान जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भगवान का नाम उच्चारण करते जाओ पिताजी। और ये संसार जो है दुख की ढेरी है, यहाँ सुख आपको मिलने वाला नहीं है। भगवान का भजन करो, उसी में कल्याण होगा। भगवान का भजन करते करते आत्मदेव का कल्याण हो गया। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता जी को भी डंडा लेकर के मारना शुरू कर दिया। आधी रात को धुंधुकारी की अत्याचार से पीड़ित होकर के धुंधली कुएं में कूद करके अपना प्राण त्याग देती है। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी गए, माता जी गई, अब शायद मेरा नंबर आने वाला हो, इससे पहले कि नंबर आए निकल जाओ, सब समझदारी इसी में है कि घर में बैठे ना रहो, जब अपना जो है नंबर आने वाला हो उससे पहले निकल जाओ। सही बात है कि नहीं? मान सम्मान के लिए बैठे मत रहो कि बहू आएगी तो मान पैर दबाएगी और बहू आएगी तो सेवा करेगी, कोई तो रहे ठिकाना नहीं।
आपने जितना सेवा किया हो उतने की ही उम्मीद करना। यदि आपने अपने सास का चरण दबाया हो, सास की सेवा करी हो, तो आप उसी की उम्मीद करना और उसकी भी उम्मीद न करना, क्योंकि कहते हैं जब आदमी बैंक में जमा करता है तो उसको भी उसमें ब्याज मिलने में उसमें भी समय लगता है, तुरंत नहीं मिलता। तो मैं ये झूठी लालसा आपको ना दूंगा। आपने यदि किया होगा अपने माता पिता सास ससुर के लिए तो ही आप उम्मीद करना, वो भी तुरंत आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में पाप इतने ज्यादा हो, बुरे कर्म इतने ज्यादा हो कि माता पिता की हुई सेवा भी आपके काम ना आए, अंत में आपको तकलीफ भोगनी पड़े। इससे अच्छा है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, समय आने से पहले सावधान हो जाओ। इसी को जो है इसी को समझदारी कहते हैं। बोलो राधे राधे। तो बोले जाए कहा महाराज? बोले श्री धाम वृंदावन चले जाओ। कहाँ जाओ? वृंदावन। ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, ठाकुर जी से प्रेम होना चाहिए, ठाकुर जी के चरण में यदि भक्ति है, श्री धाम वृंदावन में पहुंचिए, आप खूब सेवा करें, खूब वहाँ जो है भंडारे होते हैं, खूब भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए हमारा आश्रम है गौशाला में, वहाँ आप रह लीजिए, बहुत बड़े बड़े आश्रम है, वहाँ पे आप रहिए, ठाकुर जी की सेवा करिए। बोले वृंदावन धाम की, मीरा जी का एक भजन आइए गाते हैं। कितना समय हो गया? 7 बजने वाला है, थोड़ा समय और है कथा का। मीरा जी का एक भजन गाएं, इसके बाद थोड़ी देर कथा और सुना करके। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, पति से कहती है। मीरा जी का पति राणा ने कहा कि मीरा यदि तुम्हें राजभवन में रहना है यहाँ तो तुम्हें ये भजन पूजा बंद करनी पड़ेगी, ये तुम्हें बाबा गिरी छोड़नी पड़ेगी और यहाँ राज्य के जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। मीरा जी ने घर बार छोड़ दिया, जाने लग गई वृंदावन की ओर और अपने पति से बोलती दौलत तो कुंभ
धुंधुकारी पांच विवाह करता है, चोरी करता है, घर में डाका डालता है लोगों के। एक दिन उसकी पत्नियों ने ही उसे रस्सी से बांध कर दी और जलती हुई आग की अंगारे उसके मुख में डालकर और उसको मार देती है जान से। उसको मार करके घर के अंदर गड्ढा खोद करके दफना देती है। जो संपत्ति रहती है उसको पांचों आपस में बांट लेती हैं और अपने अपने घर को चली जाती हैं। गोकर्ण जी तीर्थ में रहते हैं, उन्हें पता चलता है तो गोकर्ण जी अपने भाई के लिए श्राद्ध करते हैं। गया जी में, बद्रीनाथ में, जहां जहां जाते हैं सब जगह श्राद्ध करते हैं। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी जब अपने घर में लौट के आते हैं तो रात्रि के समय में अपने घर में आंगन में बैठ जाते हैं, ध्यान लगा सोचते हैं अब सुबह होगी तो लोगों से मिलूंगा, गांव वालों से भी देर हो गई, सब सोए होंगे, किसी को जगाने से अच्छा है कि अपने ही घर में रात्रि बिता लो। रात्रि में आंख बंद किए हुए गोकर्ण जी बैठे हैं, तभी उन्हें ये धुंधुकारी जो है प्रेत लोग जो बन गया है दर्शन देता है। अकाल मृत्यु जो मरता है, बीच में जो व्यक्ति मर जाता है एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, लाइट करंट से, पानी में डूब के, आग से, ऐसे या किसी बीमारी से बीच में जो मर जाता है उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। अकाल मृत्यु जो मरता है उसकी मुक्ति केवल भागवत जी से होती है, बाकी कोई साधन नहीं। अकाल मृत्यु मरने वाला व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पापी हो लेकिन यदि उसके लिए भागवत कर दी जाए तो उसकी मुक्ति होती है। मलाड में ही आपके 2007 में कथा किया था मैं, अपर गोविंद नगर में रहेजा में ऊपर वहां शिखर कुंज नाम की एक बिल्डिंग है, उसमें पहले महले पे पूसा खेतान के यहाँ मैंने कथा किया था। उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे घर में एक मौत हुई है, जवान बच्चा जो है मर गया है, तो रात को हमारे घर में बर्तन बाजते, रात को बर्तनों की आवाज आती है, ऐसे लगता है कोई बजा रहा है। तो 2007 में हमने भी उनके यहाँ चैत्र की नवरात्रि जो होती है उसमें भागवत की कथा सुनाया और फिर कथा सुनाने के बाद में जो बर्तन बजते थे वो बंद हो गए, कथा सुन करके मुक्ति हो गई। कथा सुनाई गई, पूरा पंडित जी के द्वारा पाठ हुआ, ब्राह्मण ने पाठ पहुंचा विधिवत पाठ। अकाल मृत्यु जो मरे उसके लिए एक ही साधन है,
भागवत महापुराण की कथा उसके निमित्त कर दो, संकल्प लेकर के उसकी मुक्ति हो जाती। सुबह जब रात्रि में गोकर्ण जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सारी दुनिया सो रही है और गोकर्ण जी जग रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि संत वही है जो सारी दुनिया सोए जब जागे हो, दुनिया सो रही हो तो वो जागे, वो संत कहलाता है। और वो जाग करके मेरा भजन करे, ऐसा नहीं कि जागे वो घूमे इधर उधर और दारू पी करके गालियां दे आजू बाजू वाले। भगवान का भजन करे रात्रि में जब दुनिया सो जाए उस समय। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। जब सारी दुनिया जाग सो जाती है तब संत लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान से वार्तालाप करते हैं। सारी दुनिया सो जाती है तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, गोकर्ण जी तो संत हैं, जाग करके भगवान का भजन कर रहे थे, जागृत अवस्था में उन्हें धुंधकारी दिखाई दिया, कभी प्रेत बन के, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी गधा, ऐसे बन के तरह तरह के रूप दिखा रहा। धुंधकारी को गोकर्ण जी ने पूछा कि तू कौन है? कस्त मुग्र तरो रात्रो कुतो या तो दशा मिमा किम वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सी की संचा। तू कौन है? प्रेत है, पिशाच है, मुझे क्यों डराने की कोशिश करता? तो परछाई एक सामने खड़ी हो जाती है, मैं करने लग जाती है। गोकर्ण जी समझ जाते हैं कि कोई इंसान है जिसने पाप किया है, पाप के कारण इसके बोलने की शक्ति चली गई। जल का छींटा मारते हैं और भागवत के श्लोक सुनाते हैं, उसको बोलने की शक्ति आ जाती है। भागवत के श्लोकों में इतनी ताकत है कि ये मुर्दे को भी हिला दे। ये मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। मीरा रोड में हमारे पहचान के एक भक्त थे, हम नहीं हैं, 2 साल कोमा में पड़े थे। यहाँ मीरा रोड से जो है कविता जी आए हुए हैं, जानती हैं हमें, हम नहीं है, और 2-3 महीना पहले उनकी मृत्यु हो गई, कोमा में चले गए। तो उनको मैं देखने के लिए जब गया, 7-8 महीने हो गए थे कोमा में जाके, वो आंखें खोल के देखते थे बस, और उनका कोई रिएक्शन नहीं रहता था। हाथ में पटकते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, आँख से जो है बस देखते थे, हाथ में पटकते थे बस, ऐसे रहते थे। लेकिन मैं उनके पास में जब गया तो मैं भागवत के जो चतुर्श्लोक 4 श्लोक हैं, मैंने कहा कि सब बोलते हैं कि भागवत के श्लोक मुर्दे को हिला देती है, आज चलो देखते हैं कि इनको हिलाती है कि नहीं हिलाती। मैंने 4 श्लोकों को पढ़ा और 4 श्लोकों को पढ़ करके और उन जो मिश्रा जी थे उनके सिर के ऊपर हाथ मैंने फेरा और राधे राधे मैंने किया, तो मिश्रा जी जो है ऐसे देख रहे थे, तो ऐसे देखे मेरी तरफ, पीछे की तरफ मैं खड़ा, मुझे पीछे की तरफ देखे। तब मैं जो है मान गया, आँख से आंसू उनके बहने लग गए, मैं मान गया कि हाँ भागवत के श्लोक सचमुच में मुर्दे को भी हिलाने की ताकत है। भागवत जी के श्लोक बोलो राधे राधे, बोलिए भागवत भगवान की। परछाई खड़ी हो गई, मैं करने लग गई। गोकर्ण जी ने मंत्र मार करके जल का छींटा मारा, सुंदर जो है आवाज आई है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। गोकर्ण ने से कहा धुंधुकारी, अरे बोले भाई तू ये तुझे क्या हो गया? बोले मैंने मेरे जीवन में इतने पाप किए कि आज पापों का फल ये मुझे प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा कि तुझे तेरे लिए मैंने गया नहीं, मैं श्राद्ध किया, बद्रीनाथ में श्राद्ध किया, अयोध्या गया था, वहां किया, वृंदावन में किया, तो फिर भी प्रेत बना भटक रहा है, मुक्ति नहीं तेरी। धुंधकारी बोला कि गया जी में, द्वारिका में, अयोध्या में, वृंदावन में पापियों की मुक्ति होती होगी, मेरी मुक्ति नहीं होगी वहां, क्योंकि मैं तो महान पापी हूं, मेरी मुक्ति वहां नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति, मेरी 100 श्राद्ध कर दोगे गया जी में तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर बोले कोई दूसरा साधन। गोकर्ण जी ने कहा भी तू जा,
सुबह होने दे, सुबह होते ही मैं कुछ करता हूँ। सुबह जैसे अभी गोकर्ण जी को देखा, गांव वाले सबके सब इकट्ठा हो गए, गोकर्ण जी आए, कहाँ गए थे, जाजी गए वृंदावन, बताइए प्रसाद का, ये सब इकट्ठे हो गए। गोकर्ण जी ने कहा सब बाद में बात करेंगे, पहले धुंधुकारी के बारे में बताओ क्या जानते हो तुम। बोले महाराज हम तो यही जानते हैं कि वो गाँव छोड़ के कहीं चला गया, उसकी पत्नियों ने यही बताया था। बोले नहीं, उसकी पत्नियों ने मार करके उसको इसी घर में दफना दिया है और रात्रि में वो प्रेत बन करके मेरे सामने खड़ा था। अब बताओ उसकी मुक्ति कैसे हो। गांव वाले बोले महाराज जब आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम कैसे जाने, आप पूरी दुनिया घूम करके बैठे हुए हो, इतने समझदार आप हो कि अपने पिता को उपदेश दे दिए, पिताजी की मुक्ति कर दिए, तो अब आप नहीं जान पा रहे हो तो हम कैसे जाने। तो गोकर्ण जी ने फिर सूर्य नारायण को प्रणाम किया है, तुभ्यम नमो जगत साक्ष ब्रूहि में मुक्त हेतुकम, हे सूर्य नारायण भगवान मैं आपसे मेरे भाई की मुक्ति का साधन पूछता हूँ, आप मुझे कृपा करके बताएं। गोकर्ण जी की बात सुनकर के सूर्य नारायण का रथ रुक गया और आवाज आई है श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले यदि धुंधुकारी की मुक्ति चाहते हो तो भागवत भगवान की कथा सुनाओ, और भागवत की कथा सुनाओगे तो तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वैर धर्म रूपम त्वे श्रुतम इति सूर्य वच सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद भागवत की कथा गोकर्ण जी को ने बैठाई है धुंधकारी के मुक्ति के लिए, और धुंधकारी वहां पर आया कथा सुनने के लिए, हवा के रूप में है, अपने लिए बैठने के लिए जगह ढूंढने लग गया, तो एक फटा हुआ बांस का खंभा था उसी में जाकर के बैठ जाता है छिद्र में। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की पूरी हुई खंभे की दूसरी गांठ, एवं इसी तरह एवं सप्त दिन सात दिन में